नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएससी न्यूज़ और हम इस वक्त आए हैं कैम्प के अल्प बजट भवन में, जहां पे रमजान इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है आमिर शेख ने, जो कि कांग्रेस महाराष्ट्र के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट है। आइए जानते हैं इस इफ्तार पार्टी के बारे में। सर, की प्रोग्राम में कैसे लग रहे हैं आप? बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है। सभी मुस्लिम भाइयों को रमज़ान की मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां पर सब जात धर्म के लोग इफ्तार के प्रोग्राम के लिए यहां आए हैं। अपना पूना शहर अमन का इतिहास रखने वाला शहर है। कहीं पर भी कुछ भी मसले हो, पूना में कभी हिंदू मुस्लिम इस तरह का माहौल खिलाफ का पैदा नहीं होता है। यही जो अपना रेपुटेशन है वो हमको बरकरार रखना है। उसके लिए हर एक आदमी ने, हर एक इंसान ने हर मसला शांति और अमन से सुलझाना चाहिए, न कि झगड़े फसाद से। मेरी सभी भाइयों से, सभी जात धर्म के भाइयों से गुजारिश है कि आप पूना का माहौल ऐसा ही कौमी एकता वाला रखिए। एक शेर अर्ज करके मैं मेरे लफ्जों को विराम देता हूँ। मैं दुनिया के साथ यासो आरादियों में था, मैं घर जलाकर खुद के तमाशाइयों में था। यारों को क्या मिला मेरा चेहरा कुरंद कर, जो जख्म था वो रूह के गहराइयों में था। आज जो रो रहा है बैठकर अपने घर की राख पर, वो आदमी भी कल शहर की दंगाइयों में था। तो दंगे का हश्र यही होता है कि अगर आज मैंने किसी का घर जलाया है तो कल मुझे मेरे घर की राख पर बैठना पड़ता है। सभी से गुजारिश है, अमन से रहिए, प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। सभी को फिर एक बार रमजान की मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, धन्यवाद, शुक्रिया। अमीर भाई, पहले इस इफ्तार पार्टी के बारे में बताइए, क्या मकसद था इसको रखने का और कैसे क्या था? हर साल रमज़ान के मौके पर हमारे जो भी मुस्लिम भाई महीना भर रोज़ा रखते हैं और समाज में एक दुआ लेके निकलते हैं कि हिंदुस्तान में रहते वक्त सभी समाज के, सभी जाति के लोग एक साथ रहे, ऐसे दुआ करने वाले लोगों के लिए और ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए हम हर साल रमज़ान के महीने में रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें हम पूना के सारे पार्टी के नेताओं को हम बुलाते हैं और एक होकर जो हमारा मैसेज है कि हम लोग सब एक साथ रहना चाहते हैं और हम लोग सब एक साथ हिंदुस्तान में और महाराष्ट्र में काम करना चाहते हैं, ये मैसेज हम पूरे महाराष्ट्र में पुणे में इस इफ्तार के माध्यम से देते हैं। तो देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है उस हिसाब से पूनावासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूना एक ऐसा शहर है जिसे कई सालों से एक बहुत बड़ा इतिहास है, जहाँ पे इस प्रकार के जाति भेद के झगड़े बहुत लोगों ने कोशिश की लेकिन कभी हो नहीं पाए। आपने देखा होगा कि पिछले समय में जब कस्बा के इलेक्शन हुए तो कुछ पार्टियों के माध्यम से जाति भेद करने का प्रोग्राम वो लोगों ने किया था, लेकिन पूना के लोगों ने उस इलेक्शन के माध्यम से ये बताया कि पूना के लोगों को जाति भेद का कोई भी मैसेज इस देश में पहुंचाना नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, जो कि सेक्युलर पार्टी है, ऐसे पार्टी के इंसान को मतदान करके हम एक देश में एक मैसेज पूरे पूना के लोगों ने दिया है और इस रमज़ान के, इस रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम के माध्यम से भी हम यही मैसेज पूरे सब जगह देना चाहते हैं कि पूना के लोग ये कोई जात भेद मानने वाले लोग नहीं हैं, ये सब साथ में रहने वाले लोग हैं। जी सर, अमीर भाई की इफ्तार पार्टी में आप आए हैं, कैसा लगा आपको? देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से ये हमारे मुस्लिम भाइयों का पूरी दुनिया में, हमारे देश में, महाराष्ट्र और पुणे में भी ये रमज़ान का महीना चल रहा है और ये रोज़ा रखते हुए हमारे सब भाइयों के साथ पूरा देश उनके साथ खड़ा है। पुणे के हम सब लोग ये रमज़ान का महीना उनके साथ बिताते हैं और आज रोज़ा इफ्तार का उन्होंने, आमिर शेख ने रखा है। आमिर शेख
एक हमारे यूथ को NSUI के राज्य के अध्यक्ष है, एक अच्छा नौजवान है जो काफ़ी सालों से अपने पैरों पे आज कांग्रेस की विचार को लेके NSUI के माध्यम से स्टेट में काम कर रहा है, और आज उसने पूरे सिटी के सब क्षेत्र के सब जाति धर्म के लोगों को हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ रोज़ा इफ्तार करने के लिए यहाँ पे बुलाया दावत पे। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, और आने वाली ईद की भी हमारे मुस्लिम भाइयों को सब उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। धन्यवाद। देखिए हमारे देश कि जो इतिहास है, इतिहास इसको गवाह है कि सब हमारे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, सब लोगों ने इस देश में इकट्ठा रहे लोग, और हर कोई एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहा है। लेकिन आज जो देश में माहौल बनाता जा रहा है, कोई एक ताकत जिस तरीके से वो जाति जाति में धर्म धर्म में आज जहर डालने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल से ये देश और हमारे लोग उससे ज़्यादा ताकत होने उससे उभर आएंगे, और वापस से इकट्ठा सब धर्म जाति लोग एक साथ ये सब जो तो त्यौहार होंगे वो साथ करेंगे। अमीर भाई की इफ्तार पार्टी में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? ये अमीर भाई की इफ्तार पार्टी है, ये हमारे सब मुस्लिम दोस्तों की पार्टी है, और इस इफ्तार पार्टी में आना चाहिए। पूना सिटी में बहुत अच्छा माहौल है, इसके लिए हम लोग सब इधर इफ्तार के ये महीने में, रमजान के महीने में सबको शुभकामना देना चाहिए, तो हम हमारे पार्टी की तरफ से शुभकामना देते हैं, और उसके बाद सभी इफ्तार पार्टी में मैं जाते रहता हूँ, और मिलकर आमिर भाई तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। आमिर भाई की इफ्तार पार्टी में आप आए हैं, कैसा लगा आपको, क्या कहना चाहिए? मुझे आज सारे मुसलमान भाइयों और बहनों के साथ यहाँ पर मौजूद होते हुए खूब आनंद हो गया है, और हम में जो यूनिटी का वो जो भाव है उससे मैं बहुत प्रभावित हो रहा हूँ, और यह हमें देश में बढ़ाना है, क्योंकि वो देश सर्व सब धर्म के लोगों का ये देश है, और ये देश सब धर्म के लोगों ने बनाए हैं, खासकर हमारे मुस्लिम भाई बहनों हैं, उनका भी हमारे देश के प्रोग्रेस में बहुत ही अच्छा योगदान है, इसलिए मैं सबों को धन्यवाद अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत अच्छा लगा, असल में जो हिंदुस्तान का इतिहास है, हिंदुस्तान की तहजीब और संस्कृति है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसका एक अलग ही दृश्य यहाँ देखने को मिला कई ज़माने के बाद, बिलखसूस 2014 के बाद जिस तरीके से इंतशार का माहौल मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ, आज यहाँ देखने मिला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर एक साथ खजूर खाए, इफ्तार किए, और हम अल्लाह तबारक व तआला से रमज़ान मुबारक के महीने में यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान की रिदा को इसी तरीके से खूबसूरत और मोहब्बत अमन वाला माहौल रखे, और मुल्क हिंदुस्तान और तरक्की करे, पूरी दुनिया में सुपर पावर बने, और इसमें सभी धर्मों का, चाहे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की औलादे हो, अशफाकुल्ला खान की औलादे हो, भगत सिंह की औलादे हो, या पंडित जवाहरलाल नेहरू की औलादे हो, सभी जात धर्म के लोगों का मिलकर योगदान रहे और हिंदुस्तान और आगे बढ़े, यही दुआ अल्लाह तबारक व तआला के साथ। बहुत शुक्रिया। अमित शाह की इफ्तार पार्टी में आए हैं सर, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? बस अमीर भाई हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, और अमीर भाई हमारे महाराष्ट्र के NSUI के अध्यक्ष है, हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है, और खाली इफ्तार का प्रोग्राम नहीं रखते हुए उन्होंने सभी कौम को बुलाकर एक मैसेज दिया हुआ है, क्या बाबा ये जो पूना है एक सब जातियों को साथ में लेके चलने वाला ये शहर है, तो वो एक मैसेज उन्होंने दिया है इस इफ्तार प्रोग्राम से, इस तो आप देख सकते हैं कि सभी लोग इधर आके इतनी तरह से भाईचारे से सब ने एक साथ रोजा खोला है, तो यही एक मैसेज उनका एक देने का एक संदेश और मैसेज था। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है सांस्कृतिक का, आप क्या कहना चाहेंगे पूना वासियों? पूना कभी भी ऐसे माहौल में, पूना का कभी भी आप देखेंगे तो पूना आप देखे रहेंगे तो पूना कभी भी ऐसा, कभी भी पूना में ऐसी चीज़ कोई हुई नहीं है और ना होएंगी, क्योंकि पूना एक शांति का शहर है, और सभी जात वाले सभी एक साथ रहकर इधर लोग करने वाले, आप जैसा देखे रहेंगे रामनवमी में भी अपने मुसलमान भाइयों लोग ने साथ में उनके ये किया, आप देखेंगे रमज़ान में जैसे हिंदू भाइयों लोग ने अपने साथ में आकर रोज़ा खोलने का काम रो रमज़ान में रो, तो पूना में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है ना कभी होगा आगे। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से पूना वासियों? बस जो भी है सब अमन शांति सब साथ में मिलकर रहिए, यही कहूँगा, अपन एक सब देशवासी है, अपन एक हिंदुस्तानी है, तो सब मिलकर साथ में रहे, यही कहूँगा। और बहुत अच्छा प्रोग्राम था, इसमें खासकर NSUI महाराष्ट्र यूनिट की जानिब से अमीर शेख ने जो ये प्रोग्राम लिया, उसमें एक बात खास थी कि अलग अलग पक्ष के लोग, पक्ष प्रमुख यहाँ पर आए हुए थे, और अलग अलग धर्म के लोग उसमें
क्रिश्चियन धर्म गुरु भी यहाँ पर आए और इसकी वजह से सारे शहर में एक खासकर अमन का, शांति का, राष्ट्रीय एकात्मता का जो संदेश जाता है, इसकी वजह से हमारा शहर हमेशा से ये गंगा जमनी तहजीब जो है हिंदू मुस्लिम एकता, वो यहाँ से फैलती है। एक साथ बैठकर खाए, एक साथ बैठकर, तो एक अलग ऊर्जा पैदा होती है, एक अलग माहौल पैदा होता है, शांति और अमन लगता है कि इस शहर में ऐसा ही शांति और अमन जारी रहे, ऐसी हमारी इच्छा है। और आज का ये प्रोग्राम वाकई बहुत हर वर्ग के लोग, हर सोशल वर्कर यहाँ पर आए थे, इसके लिए बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। देश में जिस तरह का माहौल चल रहा है, इसके लिए आप पूना के वासियों को क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो ये कि वो उसका असर यहाँ पर पड़े ही नहीं, हमेशा से पूना शांत रहा है, उसी वजह से कि हम हमेशा एक साथ रहे, अलग अलग पक्ष के लोग, अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर आते हैं, तो देश में जो माहौल है उसके तरफ न देखते हुए पूना से ही ये संदेश दे कि हम लोग किस तरह मिलजुल के भाई भाई की तरह रहते हैं, अलग अलग लोग, यही संदेश सारे देश को पहुँचे, यहाँ का असर वहाँ पर पहुँचे और अमन और शांति रहे, इसी में हमारे देश की तरक्की और उन्नति छुपी हुई है। अगर अमन नहीं तो उन्नति भी नहीं, शांति भी नहीं। पहली बात तो आमिर भाई का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने इफ्तार का कार्यक्रम रखा हुआ है और हम कई सालों से इफ्तार का कार्यक्रम करते हैं। शिवकर साहब है, मोहजी साहब है, हमारे यहाँ पे बैठे हुए मनसे के युवा नेता बाबू वागस करे, हम जो सब अलग अलग पार्टी के भी रहे, तो ये रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम लेना हमारा फ़र्ज समझते हैं हम, क्योंकि ये कार्यक्रम से भाईचारा पैदा होता है। जो समाज में जाति के धर्म के नाम पे लोग बंटवारा करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, ये कार्यक्रम उन कार्यक्रम के वो फिरका परिस्थिति के लोग एक बड़ी बड़ी चाक पर गए और भाईचारा, एक राष्ट्रीय एकात्मता, सामाजिक एकता के लिए ये कार्यक्रम बहुत बड़ा अहम रखता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों इकट्ठा आके एक दूसरे को भाईचारे का पैगाम देते हैं। हमारे मुस्लिम भाई महीना भर रोज़ा रखते हैं, वहाँ पर दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और ये महीना इबादत का महीना है। इस महीने की जो दुआ पड़ेगा वो हिफाजत भी है और वो सबके लिए ज़िंदगी के एक नए रास्ते पे लाने की एक मोड़ की एक अच्छी घटना है, मैं समझता हूँ। और ये रमजान का महीना हमारे लिए पाक महीना है, हम सब मुसलमान भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उनकी मुराद पूरी करे अल्लाह मियाँ, ऐसे ऊपर से दुआ करते हैं। तो आपने देखा कि इस इफ्तार पार्टी में सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे और इस रमज़ान इफ्तार पार्टी के बारे में सब ने हमसे कितनी अच्छी तरह से बात की। कैमरामैन अजय के साथ नामदेव गुट्टे, APSC न्यूज़, पुणे।